हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होता है, इस बार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ऑप्टो कपलर के बारे में जानकारी। ऑप्टो कपलर जिसका उपयोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, सभी तरह के पीसीबी में, खास करके टीवी और सभी तरह के पावर सप्लाई में भी यूज किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर आखिर होता क्या है, इसका उपयोग क्यों लिया जाता है और ये कैसे कार्य करता है, इसे कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। कितने प्रकार के ऑप्टो कपलर हमें बोर्ड में देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी मैं जानकारी आपको बताऊंगा। और इससे पहले अभी तक आपने हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। और अगर आप भी कोई टेक्निकल कोर्स या इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं, जैसे एलसीडी, एलईडी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ई रिक्शा, ई व्हीकल, ई बाइक या एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, इंडक्शन, बीएलडीसी फैन और इसके अलावा अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक कोर्स सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करके कोर्स से रिलेटेड जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कितने मंथ का कोर्स है, फीस क्या है, रहने की व्यवस्था क्या है, ये सब कुछ आपको कॉल करके सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड, हम शुरू करते हैं ऑप्टो कपलर के बारे में जानना। यहाँ बोर्ड में आपको इस स्क्रीन में नजर आ होगा, मैंने यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर का इमेज ले रखा है। यहाँ पर दूसरे में ऑप्टो कपलर का जो इमेज है, हम इसकी बात करें, तो यहां इस इमेज को अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। यहां पर ये जो ऑप्टो कपलर है, यहां पर चार पिन और करीबन छह पिन का ऑप्टो कपलर दिखाया गया है। ऑप्टो कपलर आखिर होता क्या है, ऑप्टो कपलर की मैं आपको परिभाषा समझाता हूं पहले। ऑप्टो कपलर क्या होता है, एक तरह का आईसी है। आईसी हम क्यों कहते हैं इसे, क्योंकि आईसी की एक परिभाषा में यह कहा जाता है कि जब दो कंपोनेंट मिलकर किसी एक नए कंपोनेंट का बनाते हैं तो उसे आईसी कहा जाता है, यानी वो एक आईसी की कैटेगरी में काउंट होना शुरू हो जाता है। वैसे तो आईसी तीन पिन से शुरू हो जाता है, जैसे हमारा रेगुलेटर आईसी हो गया, रेफरेंस आईसी हो गया, ये सब एक आईसी की कैटेगरी में आता है। यहाँ पे ऑप्टो कपलर मिनिमम चार पिन का आपको हमेशा देखने को मिलेगा, यानी आप जब भी बोर्ड में किसी ऑप्टो कपलर आईसी को ढूंढेंगे तो वो कम से कम चार पिन का होगा ही। इसके अलावा बोर्ड में आपको पांच पिन का और छह पिन का भी नजर आ सकता है और आता ही है। वैसे ऑप्टो कपलर की बात करें तो ऑप्टो कपलर में क्या होता है कि इसके जो अलग अलग नाम है, जैसे इसे ऑप्टो कपलर कहा जाता है, फोटो कपलर कहा जाता है, आइसो कपलर कहा जाता है। अब यहाँ के वर्ड में हम सुनते हैं आइसो कपलर, एक्चुअली ये आइसोलेटेड कंपोनेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ये एक इंटरनल सर्किट है, ऑप्टो कपलर में जहां डॉट बना होता है, बात करें जैसे जहां पे डॉट बना होता है वो हमारी एक नंबर पिन होती है, उसके सामने वाली दो पिन, दो नंबर पिन, दो के सामने वाली विपरीत दिशा में तीन नंबर और उसके ऊपर सामने वाली चार नंबर पिन होती है। तो एक और दो जो ऑप्टो कपलर में होता है, इसमें हमेशा देखिए ऑप्टो कपलर चाहे दो पिन का है, चार पिन का है, चाहे छह पिन का है, जिस तरफ एलईडी लगी होती है वो हमेशा उस तरफ, जैसे चार पिन की बात करो तो इस तरफ हमेशा एक और दो नंबर की तरफ आपको ये एलईडी लगी मिलती है, ये एलईडी लगी होती है हमारी। अब यहाँ एलईडी की बात करें तो यहाँ पर ये जो एलईडी और दूसरी तरफ इस तरफ जो होती है ये हमारी एलईडी होती है, ये जैसे इसमें मार्क कर रखा है आईआर एलईडी, अगर यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ ये लिखा हुआ आईआर एलईडी यानी इंफ्रारेड एलईडी। ये एलईडी एक सामान्य तौर की एलईडी होती है, जैसे हमारे रिमोट के में भी आती है और नॉर्मल इंटरनल एक व्हाइट लाइट में भी आती है। ये एलईडी जब ग्लो करती है तो इसके सामने तीन नंबर पिन और चार नंबर पिन पे एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। फोटो ट्रांजिस्टर अगर बात करें तो किस कैटेगरी का होता है, एक्चुअली वो एनपीएन ट्रांजिस्टर की कैटेगरी में बना होता है, यानी उसकी कलेक्टर और एमिटर पिन तो बाहर रहती है लेकिन जो बेस पिन होती है वो ऑप्टो कपलर में इंटरनल होती है। तो जब एक नंबर पिन पर मान लीजिए यहाँ पे बाय रजिस्टर हमने 5 वोल्ट की सप्लाई दी है और दो नंबर पिन को हमने ग्राउंड या नेगेटिव के साथ जोड़ा है तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगी। जब ये एलईडी ग्लो करती है तो यहाँ ये जो बेस होता है यहाँ पे इसका फोटोन हिस्सा होता है, ये फोटोन हिस्सा क्या करता है, लाइट को जब कैच करता है तो इस लाइटिंग को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। जो लाइट इसके ऊपर गिरती है उसे क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट करके जो इंटरनल बेस पिन होती है उसे ये एक्टिवेट
करता है। जब ये एक्टिवेट होती है तब यहाँ पर क्या होता है, पिन नंबर 4 और 3 के बीच जो गेट होता है वो ओपन हो जाता है, जो सप्लाई है वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा बीच में जो हिस्सा है ये आइसोलेटेड है, यानी मैं 1 और 2 नंबर की तरफ कुछ भी करूं 3 और 4 को, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि कभी इलेक्ट्रिसिटी हाई आ जाए तो इसका जो असर है वो पिन नंबर 3 और 4 की तरफ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल या सप्लाई के लिए जो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे सिग्नल की तरह काम कर रही है। मान लीजिए मुझे एक सिग्नल भेजना उधर, तो यहाँ पर मैंने 4 नंबर पिन पर 15 वोल्ट दे रखे, ठीक है, और 3 नंबर पिन से सप्लाई मुझे आउट करनी है, तो मैं जब 1 नंबर पिन पर 5 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, 2 नंबर ग्राउंड और बाय रजिस्टर सप्लाई दूंगा, तो एलईडी क्या करेगी, ग्लो। तो इंटरनल बेस जैसे एक्टिवेट होगा ये 4 नंबर पे आने वाली 15 वोल्ट की सप्लाई 3 नंबर से आउट होकर बाहर निकल जाएगी। फिर मैं वापस 1 नंबर पर अगर सप्लाई बंद कर दूं तो 3 से जाने वाली सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बंद। अब मैं इसको लगातार यानी ऑन ऑफ करूंगा तो सप्लाई भी क्या होगी, ऑन ऑफ होती रहेगी। तो ऐसे ही ऑप्टोकॉपर काम करता है। अब इसमें क्या होता है, आइसोलेटेड हो जाता है। आइसोलेटेड ऐसे कि 3 और 4 की तरफ आप जितनी चाहे सप्लाई का अगर यूज करें तो इधर के सर्किट को कोई असर नहीं होता, क्योंकि ये आइसोलेटेड होती है बीच में। इन 2 कंपोनेंट के बीच में सिर्फ लाइटिंग के थ्रू एक्टिवेशन मिलता है, यानी इधर की लाइट जब लाइट देती है तभी 3 और 4 एक्टिवेट होता है। यहाँ पे जो 3 नंबर पिन होती है ये होती है एमिटर, और जो 4 होती है ये होती है कलेक्टर। इधर लगा होता है फोटो ट्रांजिस्टर, इसी फोटो ट्रांजिस्टर के नाम के आधार पर इसमें फोटो कपलर, ऑप्टो कपलर और इसके आइसोलेशन की वजह से इसे आइसोलेटेड कपलर भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो थी हमारी 4 पिन की एक ऑप्टो कपलर आईसी। ऐसी ही क्या होता है, इधर एक्चुअली फोटो ट्रांजिस्टर है इसलिए इसे ऑप्टो कपलर कहा जाता है। लेकिन कुछ ऑप्टो कपलर में क्या होता है कि थायरिस्टर यानी जो ट्रैक होता है या थायरिस्टर कैटेगरी का कुछ कंपोनेंट होते हैं तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो ऑप्टो कपलर की जगह उनको थायरिस्टर कपलर हम नाम देते हैं। तो आपको ऑप्टो कपलर की तरह 5 पिन या 6 पिन का थायरिस्टर कपलर दे देने को भी मिल सकता है। उसमें भी उसका जो इंटरनल गेट पिन होती है वो जो लाइटिंग के थ्रू एक्टिवेट होती है वो अलग होती है, उसके ऊपर भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगा। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम फोटो कपलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्टो कपलर का जो काम करने का तरीका था वो मैंने आपको इसमें बताया। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम बात करें इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो सिंपली आप देखिए कि एक ऑप्टो कपलर का उपयोग पावर सप्लाई हो गई, जहां भी SMPS पावर सप्लाई बनती है 95% से भी ज्यादा सर्किट में आपको हॉट एंड कोल्ड लाइन पर ऑप्टो कपलर मिलती है। क्यों मिलती है, SMPS में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्शन का ग्राउंड अलग होता है और सेकेंडरी का ग्राउंड क्या होता है, अलग होता है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच जो एक फीडबैक चाहिए, यानी सेकेंडरी में कितना वोल्टेज बन रहा है उसका फीडबैक लेने के लिए ऑप्टो कपलर आईसी का उपयोग किया जाता है। और इस ऑप्टो कपलर का जो 1 और 2 नंबर पिन होती है ये सेकेंडरी की तरफ रहता है, 3 और 4 ये प्राइमरी की तरफ रहता है। अब यहां पर हम बात करें कि सिग्नल कौन देता है और आगे कौन पहुंचाता है, तो सिग्नल देने का काम 1 और 2 नंबर पिन का होता है और सिग्नल आगे भेजने का काम 3 और 4 का होता है। तो आइसोलेटेड होने की वजह से ही इसका SMPS में यूज होता है। इसके अलावा 0 क्रॉसिंग सेक्शन में, जहां SMPS सर्किट होता है 0 क्रॉसिंग सेक्शन में भी ऑप्टो कपलर का काम होता है। 3 फेज का अगर कोई बोर्ड है तो वहां पे फेज डिटेक्शन के लिए भी ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन सेक्शन में ऑप्टो कपलर का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे ही काफी सर्किट है जहां पे ऑप्टो कपलर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्टो कपलर का उपयोग काफी किया जाता है, काफी सर्किटों में आपको देखने को मिलता है इसका उपयोग बहुत होता है। इसे चेक करने का एक बहुत साधारण तरीका होता है, मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज पे रखना है और इसकी 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन पे जब आप चाहे तो एक छोटा सा सर्किट बना सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सर्किट को आपको समझाता हूं। आपको करना क्या है, आपको एक सिंपल अगर थोड़ा सा सर्किट में आपको बताऊं जो आपके काम आ सकता है, आप टेस्टिंग के लिए इसे बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 4 नंबर पिन पर एक 5 वोल्ट की सप्लाई देनी है और 3 नंबर के साथ एक LED लगा देनी है, LED जोड़ देनी है, ठीक है, और इसे ग्राउंड में जोड़ देना है। आप 3.5 वोल्ट की LED ले सकते हैं और एक रजिस्टर चाहे तो 100 ओम का रजिस्टर बीच में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है
कि एक नंबर और दो नंबर पे मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे कर देना आपको। मल्टीमीटर जो आप यूज करेंगे उसे क्या करना है, उसकी जो दो प्रोब होगी उसमें से जो रेड प्रोब है उसको एक नंबर पिन पे लगा देना, रेड प्रोब को, ठीक है। और जो ब्लैक प्रोब होगी आपकी, ब्लैक प्रोब को दो नंबर पे लगा देना है। तो जब रेड और ब्लैक प्रोब जब हमारे इस जो हमारा ये एलईडी है, एलईडी साइड में ये लग जाएगा मल्टीमीटर के द्वारा, जब लग जाएगा तो एलईडी क्या करेगी, ग्लो। जैसे ही एलईडी ग्लो करेगी, जो सप्लाई है हमारी चार नंबर पे आ रही है 5 वोल्ट की, ये पास होकर क्या करेगी, तीन नंबर पिन से जो हमारी एलईडी हमने यूज करी है उस पर चली जाएगी। अब एलईडी अगर आपकी ग्लो हो जाती है तो इसका मतलब आपका ऑप्टो कपलर एकदम सही है। हम चाहे तो इसे डायोड रेंज पे जब हम एक और दो पे चेक करेंगे तब भी हमें एक रीडिंग बताएगी जो डायोड रेंज में होती है, लेकिन हाई बताती है, 1000 के आसपास की ये वैल्यू हमें शो करता है, तब भी ये क्या होता है, सही होता है, क्योंकि इसमें डायोड है, एलईडी है, इसलिए वैल्यू थोड़ी ज्यादा दिखाता है। तीन और चार को जब आप बंद में चेक करेंगे, बंद में, तो तीन और चार के बीच में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब आप बंद में ऑप्टो कपलर को चेक करते हैं तो जो एलईडी है उस तब चेक करने पर आपको वन साइड वैल्यू देना चाहिए, और तीन और चार नंबर पिन पे जब आप चेक करते हैं तो उसे बीप रेंज पे करते हैं मल्टीमीटर को, और लगा के देखिए तीन और चार पे, तीन और चार पे उस पर कोई वैल्यू या बीप साउंड नॉर्मली नहीं आना चाहिए बोर्ड के बाहर, क्योंकि तीन और चार में बहुत हाई वैल्यू होती है जो कि नॉर्मली नहीं दिखाएगा। अगर तीन और चार अगर लीकेज कंडीशन में है तो ही वहां पे वैल्यू दिखाएगा, जब तक एक और दो पर सप्लाई नहीं मिलती है तीन और चार एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो ये होती है इसकी एक टेस्टिंग, ठीक है। इसके अलावा ऑप्टो कपलर का उपयोग देखें तो और भी, जैसे मैंने आपको बताया, और सर्किटों में किया जाता है सिग्नल के लिए ये, तो इनमें क्या होता है, उनकी एक कैपेसिटी होती है। पहला तो इनके अंदर जो एलईडी लगती है उसकी एक कैपेसिटी होती है। पिन नंबर तीन और चार के बीच में से निकलने वाले करंट की गति की कैपेसिटी होती है। इसके अलावा इनकी एक स्विचिंग, यानी जो एलईडी एक और दो के बीच में स्विचिंग कराई जाती है, जैसे कि पर सेकेंड 1000 स्विचिंग की स्पीड है, ठीक है, तो एक सेकंड में मैक्सिमम 1000 की स्विचिंग कर सकता है, यानी आप स्विचिंग कराएंगे एक और दो के आधार पे बाय ट्रांजिस्टर या कोई कम्युनिकेशन सिग्नल के लिए। तो इसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है। ये कैपेसिटी अलग अलग ऑप्टो कपलर में किसी में ज्यादा किसी में कम होती है। इसके अलावा इनकी जो एलईडी होती है वोल्टेज के आधार पे उनकी अलग होती है, उनका वाट अलग होता है। और तीन और चार के बीच में जैसे मैंने आपको बताया कि जो करंट यानी एम्पीयर की गति यानी जो उसका एक मैक्सिमम क्षमता है वो अलग होती है। तो अलग अलग नंबरों के आधार पे ही ऑप्टो कपलर का अलग अलग उपयोग होता है। अब काफी बार क्या होता है कि जो काम करते हैं या ऑप्टो कपलर, काफी बार ये होता है कि जल्दबाजी में ये नहीं है ये लगा दिया, तो इस पे क्या होता है कि काफी बार तो वो नॉर्मली वर्किंग कर जाते हैं, लेकिन काफी बार ये होता है कि हल्का सा फ्लक्चुएशन बनने पर वो दोबारा वही ऑप्टो कपलर खराब हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि दिक्कत होती है ऐसे में, इसलिए कभी भी आप जब रिपेयरिंग करते हैं तो ऑप्टो कपलर हमेशा सेम नंबर का सर्किट में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा कि सर्किट आपका प्रॉपरली काम करेगा। और इसके अलावा कौन सी ऑप्टो कपलर पे कौन सा नंबर सही रहता है, कौन सी किसकी जगह यूज कर सकते हैं, अगर हम यूज करते हैं तो हमें क्या चेंजिंग करना पड़ता है सर्किट में, वो सब कुछ आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जिसमें आपको ऑन बोर्ड कैसे टेस्टिंग करना उसके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू।